फोन भी पकड़ लिया। रेड लाइन से फोन का निशान नहीं है। बोला फोन होने लास्ट वीक सैटरडे नाइट में सुबह बोलते संडे होता 21/20 इंटरनल नाइट में ये आसिफ नगर बोझागुट्टा डबल बेडरूम का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा नया बिल्डिंग के अंदर एक ग्लास मिला था वो अननोन मर्डर था। पहले वो इन्फॉर्मेशन आए थे हमारे इंस्पेक्टर एसीपी अशोक चक्रवर्ती इंस्पेक्टर वेंकटेश्वर लू एसआई टीम पूरा उधर गया। उसके बाद में उसको अननोन मर्डर एक्यूज मर्डर केस रजिस्टर करे। बाद में उसका फोटो और उसका हाथ का ऊपर मम्मी एंड डैडी बोल को टैटू था वो पूरा पेपर में टीवी में और लुकआउट नोटिस की तरफ सबको हम इन्फॉर्म करें। वो पेपर देख के उसका माँ लावण्या ये लोग सीताराम बाग में रहता। बाद में ये अननोन डिसीज जो भी मर गया मर्डर हो गया उन्हों विघ्नेश कुमार बोल को आइडेंटिफाई हुआ। उन्हें अनमैरिड है 23 साल रहता सीताराम बाग एरिया में रहता मंगला ट्रीमिट्स में। उसको बाप नहीं है अकेला बेटा। उसको विघ्नेश कुमार को और ये हबीब नगर पी एस लिमिट्स सीताराम बाग ऑपोजिट का फरीद चिंटू और वो लोगों से दोस्तान में कुछ गड़बड़ हुआ इसको डराया वो चिंटू फरीद बोल को। इसलिए ये विघ्नेश कुमार अभी जो मुजरिम दोनों पकड़ा गया विष्णु कुमार और तिलक कुमार ये दोनों से दोस्त करना स्टार्ट करा। ये दोनों से ये फरीद को उन्हों धमकी लगाने का स्टार्ट करा। जब से ये तीनों मिलके दोस्त है तकरीबन 2-3 महीने से एक ही बुलेट पे चलता। ये विष्णु कुमार का बुलेट है उसका मामू से लिया और पीना खाना ऐसे एंजॉय करना हुआ। बाद में हमारे को इन्वेस्टिगेशन में हमका वो डिसीज का घर से पूरा सीसीटीवी फुटेज सब टू बोझागुट्टा तक पूरा तलाश करे। वो तलाश सर्चिंग में सीसीटीवी फुटेज में सितारा बेकर्स बोल को नामपली में है वो बेकर्स में तीनों मिलके टी और सम बेकरी आइटम्स खाया वहाँ सीसीटीवी फुटेज आया। वहाँ से किधर आया बोल को पूरा एन रूट में फिर अप टू बोझागुट्टा तक हम सीसीटीवी वेरिफिकेशन करे तो वो वेरिफिकेशन में वो लोग अप टू ये बोझागुट्टा नजीक लक्ष्मी नरसिंह स्वामी बार एंड रेस्टोरेंट को वहाँ गुड़ीमल का प्रोसेस है वहाँ तक आया जैसा फुटेज आया। वो फुटेज से एविडेंस लेके ये विष्णु कुमार और तिलक कुमार दोनों को अप्रेंड करे। इंट्रागेशन में वो लोग बोले सो ये जब फरीद से ये विघ्नेश कुमार को जो डिसीज पर्सन का जो दोनों राइवलरी था उसका सिलसिले में ये दोनों से दोस्त कर ला। बाद में फरीद को ये लोगों से धमकी देने के बाद ये तीनों मिलके पीना खाना ऐसे हुआ। उस दिन 21 तारीख का रात 8:15 बजे ये तीनों घर में से निकल के बेकर के पास जाके चाय बेकर बिस्किट पीने के बाद फिर ड्रिंक पीने के पैसा होना बोल को फिर तीनों मिलके वो बुलेट पे घर को जाके ये विघ्नेश कुमार उसका माँ लावण्या से 1500 रुपये लिए लेके फिर तीनों मिलके डायरेक्ट का लक्ष्मी नरसिंह बार एंड रेस्टोरेंट आया गुड़मल का वहाँ 12 बजे तक पिए। पीने के बाद थोड़ा लिकर बढ़ गया बच्चे तो उसको स्प्राइट में डाले के फिर तीनों मिलके और बुलेट पे बोझागुट्टा ऊपर तक गया। बुलेट नीचे पार्क करे ऊपर जाने के बाद तीनों मिलके फिर पिया। पीने से पहले जब इस फरीद का फ़ोन आया इसको जो मर गया सब विघ्नेश को आया तो जब ये दोनों पूछा सुशील विघ्नेश कुमार और तिलक तुम कहीं को फिर उससे फ्रेंडशिप करा उसके वजह से तुम्हारा को हम फ्रेंड्स हुआ ना बोल को उससे आर्ग्यूमेंट हुआ। वो आर्ग्यूमेंट में दोनों मिलके एक का एक गल्ला पकड़ के उसको ये सेंटरिंग वर्क का जो लकड़ी है ना लकड़ी से उसको मारा पूरा खून हो गया था। बाद में उसको मार डाल के वहाँ से दोनों मिलके उसका घर को जाके गाड़ी रख